ब्रेज हैं, इन द एयर हैं, अस्पताल से पूछे जा रहे हैं। एक सवाल ये कि क्या आप दोबारा वफाकी काबीने में शामिल होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो किन चीजों को देखकर, किन हालात को देखकर होंगे? और दूसरा सवाल ये है इस पर कि क्या अगर दोबारा हुकूमत कोई ऐसा फैसला करती है जिससे महंगाई में इजाफा होता है और आपसे मुशावरत नहीं होती, तो दोबारा ऐसा रद्द अमल आपकी जानिब से सामने आ सकता? देखिए, मैं एक ये अर्ज करता चलूं कि हमारी वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब के बाद हमारे रुकन राबता कमेटी रजा हारून भाई ने कायद तहरीक की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए एमकेएम की ये वाजे तौर पे अपने दोस्तों से गुजारिश कर दी थी कि अगर गवर्नेंस करप्शन और ऐसे तमाम फैसले मुस्तकबिल में हुए तो हम अपना हक महफूज रखते हैं कि हम ट्रेजरी बेंचेस छोड़ दें। अच्छा, ये सीट अमान की, हमने कोलिशन बनाई है अपने हलके, अपने लोगों, अपने सूबे, अपने मुल्क के अवाम के मफाद के लिए, हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी के मफाद के लिए नहीं किए। और यकीनन हमारे कोलिशन पार्टनर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो भी एक जमहूरी पार्टी है और पाकिस्तान में आने वाले इंतखाबात में वो भी अपना एक रोल प्ले करना चाहते हैं। सही। तो हमारा काम एक अच्छे दोस्त की ऐसे से इंडिकेट करते रहे, लेकिन ये राइट मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, दोबारा भी अगर आइंदा ऐसे इकदाम हुए जिसमें एमकेएम को एतमाद में ना लिया गया और हमें एक, मैंने जैसे अर्ज किया कि टीवी की स्लाइडों से आपके चैनल से पता चले और आप बता रहे हो कि आज ये हो, तो ये हमारा राइट है कि हम वापस जाएंगे अपोजिशन।